वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिजली विभाग और बीजेपी नेता के परिवार से पुराने मीटर को हटाकर नए मीटर को लगाने को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों ही शिकायत आवेदन पर जांच पड़ताल की है। वहीं दरअसल यह मधौगंज थाना क्षेत्र के आने वाले सिद्धि कॉलोनी में बीजेपी के पूर्व पार्षद और भाजपा नेता सुधीर सिंह भदौरिया अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। सुधीर सिंह के भाई के बेटे आकाश भदौरिया के घर का मीटर कम खपत बता रहा था, जिसे लेकर बिजली विभाग की टीम ईई अजीत सिंह राजपूत के नेतृत्व में मीटर बदलने गई थी। इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाने लगे। डीई अजीत सिंह राजपूत ने बीजेपी नेता के भतीजे और वकील आकाश पर मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा आरोप लगाया है। विवाद का मामला माधवगंज थाने पहुंचा, जहां दोनों पक्ष के लोग काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्षों की लिखित शिकायत पत्र लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजली विभाग वाले आए हुए थे तो हम लोग घर पे थे नहीं, घर वाले मतलब घर की लेडीज वगैरह थी, छोटा भाई था, तो उनने आके पहले तो बोला कि आपका मीटर ऐसा है वैसा है, आप चोरी कर रहे हैं। भाई ने बोला भैया अभी है नहीं, आप उनको आयान दीजिए, तो उसके बाद आपको जो करना है आप कर लीजिएगा। तो इनने उसका नाम वाम लिखा लिया, साइन इन करवा लिए उससे, अब तक हम लोग आ गए। हम लोग आ गए तो इनने बोला कि तुम साले चोरी करते हो, ऐसा वैसा अभद्र भाषा का यूज़ करा। उसके बाद उनने बोला कि तुम मीटर में चोरी करो, उन्होंने बोला भाई साहब आप बदल के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीटर बदलने लगी, मीटर बदलने के बाद मैं भी आ गया, उनसे बोला कि भाई साहब क्या है, तो बोले तुमको तुमको नेता बनने आए यहाँ पे ज़्यादा, और उन्होंने धक्का दिया, उन्हें धक्का दिया। तो हमने बोला भाई साहब धक्का ढुक्की क्यों कर रहे हैं, तो उसमें डी साहब थे अजीत ताकड़ जी, उनने ईट उठाई और भैया के सर में मार दी, तो उनके सर में यहाँ लग गई है और उनके खून निकल गया है। अभी उनको जीएच में भटके एडमिट करवा दिया है, और उसके बाद और भी जो लोग थे वो भग गए, और अपने जो डी साहब थे उनको जनता ने पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने कहा अगर अपनी चेन तोड़ ली, और कहने लगे कि मेरी चेन खो गई है, तो मैंने उनको चेन रखते हुए जेब में देख लिया, तो मैंने बोला मैंने भाई साहब चेन आपकी जेब में रखी है, आप इसको निकालिए और ये बोलिए कि ये चेन मेरे पास हैगी, मेरी चेन नहीं गिरी है। फिर उन्होंने चेन निकाली, उसका वीडियो भी बनवाया हमने, तो उन्होंने बोली हाँ मेरी चेन नहीं गिरी, चेन मेरे पास है। उसके बाद उनको पकड़ के यहाँ थाने ले आए, और भैया थे उनका आकाश भदौरिया जिनकी ईट लगी है, उनको जीएच ले गए मेडिकल कराने के लिए, डॉक्टर ने उनको भर्ती होने के लिए। आज सुबह बिजली विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी सिंधी कॉलोनी गए थे एक मीटर की जांच करने, जिसमें आ रहा था कि उसमें खपत कम हो रही है। जब वो मीटर चेंज कर रहे थे, वहाँ कुछ जो लोकल लोग हैं उनसे उनकी कहासुनी हुई थी, जो विरोध कर रहे थे मीटर चेंज करने पर। उस बीच मारपीट हुई है और एक व्यक्ति को वहाँ पर चोट आई है, अभी उस बात का पता लगा रहे हैं उसके साथ मारपीट किसने की, और आगे पुलिस की जाँच की जा रही है। अब वो जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच कर रहे हैं, जो चेन की बात आ रही है चेन उनके पास ही है, और उसमें अभी तो कोई आरोप इस तरह से लगाया नहीं है। हाँ एक को सिर में चोट आई है, जिनके मुख्य वजह क्या निकल गया कुछ कहा सुनी हुई होगी जब वो लोग मीटर चेंज करने जा रहे थे दोनों पक्षों के बीच में, उसमें अभी आज जाँच चल रही है। प्रथम दृष्टया अभी देखते हैं कौन इसमें चोट किस तरह से आई है, किस कारण आई है, और जो भी इसमें दोषी होगा उसमें FIR होगी। आज हमारे यहाँ साउथ डिवीज़न में चेकिंग का कार्यक्रम जमाया गया था, जिसमें हमारे कार्यपालन यंत्री अजीत राजपूत, सहायक यंत्री, जेई स्टाफ सब लोग शामिल थे। वो जब लोग सिंधी कॉलोनी पहुँचे तो उन्हें एक घर में लूप लगा पाया गया मीटर में, तो मीटर को जब्त करना आवश्यक था तो वो अंदर गए थे, और उन्होंने घंटी बजाकर अंदर गए तो कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि ठीक है आप बदल लीजिए। जब मीटर बदलने के बाद जब वो पैक करने लगे तो तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, और उसने आकर माहौल ख़राब करने की दृष्टि से इन लोगों को मारपीट शुरू कर दी। बोले एक ये जब्त नहीं किया जाएगा मीटर, और लैब में नहीं जाएगा। तो अजीत जो राजपूत हैं उन्होंने समझाने की कोशिश भी की उसको कि भाई ये तो एक वैधानिक प्रक्रिया है, इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसने बिल्कुल ख़राब करते हुए माहौल इन लोगों के विरुद्ध मारपीट शुरू कर दी, और एक साइड से ईंट रखी हुई थी उसको उठा के अपने सिर पे मारते हुए बोला कि मैं वकील हूँ, मैं देखता हूँ कि आप लोग कैसे मेरे विरुद्ध कार्रवाई करते हैं।